अब बात करने जा रहा हूँ आपसे अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ डायबिटिक्स इन द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस क्लिनिकल डिसऑर्डर्स ठीक है सो इनको काफ़ी सारे क्लिनिकल डिसऑर्डर्स में दिया जाता है सबसे पहले आपसे बात करूँगा अबाउट थाइजाइड डायबिटिक्स ठीक है थायजाइड डायबिटिक्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं तीन क्लिनिकल कंडीशंस में थ्री में पहला डायबिटीज इंसिपिडस दूसरा हाइपरटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस बता ही चुका हूँ तीसरा नेफ्रोलिथियासिस जिसमें कि किडनी में स्टोन बन जाता है फाइन सो दैट इज अबाउट था अब बात करूंगा आपसे अबाउट लूप डायोरिटिक्स लूप डायोरिटिक्स आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन सिरोसिस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बता चुका हूं एक बार वीडियो में जाके रिवाइज कर लेना हाइपर कैल्सिमिया बिकॉज दे लूज कैल्शियम लूज लूप एल ओ ओ पी लूज कैल्शियम एल ओ ओ एस ई फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में लूप डायटिक इफेक्टिव पलमनरी एडिमा में बता चुका हूँ राशनियल इसका एंड इन रीनल इम्पेयरमेंट सो सिक्स कंडीशन जिसमें लूप डायरेटिक्स आर वेरी इफेक्टिव एक्सट्रीमली इफेक्टिव सिरोसिस ऑफ द लिवर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हाइपर कैलसीमिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम पलमनरी एडिमा एंड रीनल इम्पेयरमेंट अब बात करता हूँ अबाउट पोटाशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स ऑब्वियसली हाइपो में इफेक्टिव होंगे जहाँ पोटाशियम लेवल कम होगा तो बोलेंगे अभी बाहर ना हो पोटाशियम से बहुत डर लगता है सोडियम से इतना डर नहीं लगता है सोडियम तो 135 थर्टी फाइव टू वन फोर्टी फाइव मिली कोलेंट पर लीटर होता है वो कम ज्यादा हो कोई टेंशन नहीं हो पोटाशियम से बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि इसका कार्डियक एमिया करने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है हाइपर और हाइपो से टी वेव में बहुत गड़बड़ी हो जाती है ठीक है पढ़िएगा इसके बारे में जो हमको पोटेशियम को 3.5 से 5.5 मिलीक्यूवैलेंट्स पर लीटर का लेवल मेंटेन करके रखना होता है देन टॉकिंग अबाउट ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स इनका इतना यूज हमारे मतलब एक ही इसका सबसे कॉमन यूज होता है जो आपको याद रखना है वैसे गेम्स से आप याद रख सकते हो कुछ यूज़ेज़ हैं जी से ग्लूकोमा ए से अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन ठीक है एम से माउंटेन सिकनेस ठीक और क्योंकि ये बहुत हाई मॉलिकुलर वेट सब्सटेंसेज होते हैं तो सेरिब्रल एडिमा में सारा का सारा फ्लूड पुल कर लेंगे एडिमा का ठीक है दे पुल ऑल द फ्लूड आउट सेरिब्रल एडिमा रीनल इंपेयरमेंट कार्बोनिक एनहाइड्रेस का मेन यूज़ होता है इन हाई एल्टीट्यूड सिकनेस एज वेल एज इन ग्लोकोमा ठीक है ग्लोकोमा में और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में इसका यूज़ होता है